आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और ये हमारा है फिजिक्स की क्लास और इसमें हम अपना वही कंटिन्यू करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स और वेव चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स का है पार्ट नंबर 4 ये एंड हमारे इन टोटल लेक्चर नंबर 34 है। तो लेट मी रेज द बोर्ड और उसके बाद वी विल मूव टू द अपना टॉपिक जो भी है आज का। ओके सो गाइस, मैं आपको पहले मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिकैप दे देती हूँ। मैंने आपको कहाँ कहाँ तक पढ़ा दिया था। मैंने आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज एंड आपका डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज ये पढ़ा दिया था मैंने आपको, क्या होता है कैसे बनता है ये सब बता दिया था। इन पे बेस्ड आपकी फिर ब्राइट फ्रिंज एंड आपका डार्क फ्रिंज, ये दो चीज़ें बनती हैं। ये भी मैंने आपको फ्रिंज ये भी मैंने आपको पढ़ा दी थी, सब अच्छे से बता दिया था, समझा दिया था। अब हम इस फ्रिंज में ही थोड़ा आगे के टॉपिक पे चलते हैं एंड वो हमारा टॉपिक क्या है, फ्रिंज विड्थ। अब एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि यू पीपल कैन कनेक्ट इट मोर। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, ये देखो बहुत देर पहले मैंने कलर चेंज किया था, अब चेंज हो रहा है। टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज वेव। अब कंफ्यूज होने का बिल्कुल नीड नहीं है। देखो सपोज ये हमारा एक वेव बन रहा है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ से कहीं से हमारा सेंट्रल विड्थ निकल रहा है, सेंट्रल फ्रिंज यहाँ कहीं बन रहा होगा इसकी वजह से। ये वाला जो एरिया है ये हमारा डार्क फ्रिंज देता है और ये वाला हमारा ब्राइट फ्रिंज देता है, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल से लेके ये वाला जो फ्रिंज है इसका यहाँ तक का बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा फ्रिंज विड्थ का हाफ, फ्रिंज विड्थ का हाफ। तो टोटल कितना होगा हमारी दो फ्रिंज विड्थ के बीच का गैप, लाइक अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा यहाँ ये जो बीच का गैप है ये पूरा हमारा कहलाता है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमारे दो सक्सेसिव या तो ब्राइट फ्रिंज या तो डार्क फ्रिंज, हम दोनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए मैं ब्राइट फ्रिंज कंसीडर करती हूँ। रीज़न इसका क्या है कि इसका थोड़ा फॉर्मूला सिंबल होता है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा फ्रिंज विड्थ का, एक्स एन इक्वल्स टू एन डी लैम्डा बाई डी। डी क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि हमारा स्लिट और यहाँ पर स्क्रीन होती थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एंड देखिए गाइस, तो डी क्या होता था हमारा, मैंने आपको बताया था जितनी देर में हमने यहाँ ये स्क्रीन थी और यह हमारे ये हमारे स्लिट था और इधर हमारी स्क्रीन थी, इसके बीच में हमने बहुत सारा काम किया था तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट ज़्यादा दे दिया था और ये हमारा कैपिटल डी हो गया था। और ये जो थोड़ा सा ये जो बीच का गैप था इसको हमने स्मॉल डी क्या दिया था, तो हमने ये लिख दिया था। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, फ्रिंज विड्थ क्या होती है हमारी, दो सक्सेसिव आपकी सक्सेसिव आएगी, मतलब सक्सेसिव मतलब आपका एक के बाद एक, एक लाइक ये है तो दूसरी ये वाली। तो अगर सपोज करो ये आपकी n नंबर की फ्रिंज विड्थ है तो ये आपकी कौन से नंबर की होगी, n प्लस वन की होगी, ऑब्वियस है ना। अगर आपका एक ब्राइट फ्रिंज ये है और इसका नंबर है n, तो दूसरे वाले का नंबर इसका क्या होगा, n प्लस वन, ठीक है। तो अगर आपकी n नंबर की जो फ्रिंज है उसका आता है ब्राइट फ्रिंज का जो आता है आपका सॉरी जो डिस्टेंस आता है वो इतना आता है। अब सपोज आपका n प्लस वन अगर हमने ले लिया है तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, n प्लस वन कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब आपका फ्रिंज विथ बीटा, ये मैंने आपको क्या बताया हमारा कितना होता है, ये होगा हमारा इन दोनों के बीच का दो इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। तो बड़ा कौन सा है हमारा, एक्स एन प्लस वन वाला, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, माइनस कर दो क्या डायरेक्टली, अपने यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं डी लैम्डा एक्स एन प्लस वन की जगह फॉर्मेटी, और अब एक्स एन की जगह हम ये एक्स एन की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एन डी लैम्डा बाई डी,
अब अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकालोगे क्या आपका आ जाएगा डी लैम्डा बाई डी, और अंदर क्या रह जाएगा एन प्लस वन माइनस एन। ठीक है, यहाँ से आपका क्या देखा, ये माइनस का साइन है, ये प्लस के, ये प्लस का एन है और ये आपका माइनस का एन है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अंदर से वन रह जाएगा, इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी इंटू वन, इसको और आप क्या लिख सकते हो आप डी लैम्डा बाई डी। तो इस पूरे के पूरे इतने बड़े डेरिवेशन से हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो बीटा होता है या ये जो हमारा फ्रिंज विथ है ये हमारा कितना होता है डी लैम्डा बाय डी। ये भी हमारा क्या था, ऊपर वाला कैपिटल डी, कैपिटल डी था हमारा डिस्टेंस बिटवीन द सिलेट एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी क्या था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेट्स। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा फ्रिंज विथ हमारा क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद एक चीज़ हम और देख लेते हैं, वो है हमारा एंगुलर फ्रिंज विथ। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विथ पे हम चलते हैं बच्चों, एक सेकेंड। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट एंगुलर फ्रिंज विथ। एंगुलर फ्रिंज विथ में हमारा कुछ नहीं होता है, सेम वही है, बस थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, मैं एक सेकेंड आपको बताती हूँ, बस ये रेस हो जाता हूँ। देखिए, एंगुलर फ्रिंज विथ का डेफिनेशन और उसका डीप में जाने का आपको कोई नीड नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको याद रख लीजिए। मैं पूरा लिख चुकी हूँ एंगुलर विथ, लेकिन ये बोर नहीं चल रहा है। अच्छा गाइज, आपकी दो दिन क्लास नहीं हो पाई ना ढंग से, मतलब कल का भी एक छोटा सा लेक्चर हुआ था, एक्चुअली आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक ना इन कल वाले लेक्चर में बिल्कुल भी, दैट्स व्हाई मैं नहीं ले पाई ठीक से क्लास। मैं दोबारा लिख देती हूँ गाइज, आपका एंगुलर विथ, एंगुलर विथ को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और ये हमारा कितना होता है अल्फा, हमने जो निकाला था अपना नॉर्मल फ्रिंज विथ, आपका जो नॉर्मल नॉर्मल आपने ये जो फ्रिंज विथ निकाला है, दिस फ्रिंज विथ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, हर जगह मेन रोल कैपिटल डी ही प्ले कर रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं बीटा डी। अब अगर आप इसकी वैल्यू पुट करके लिखेंगे तो वो क्या आता है आपका कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी इनटू ये वाला डी भी, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा लैम्डा डी। तो यहाँ से आपको दो एक्सप्रेशन याद करने हैं, एक तो एंगुलर विथ हो जाता है आपका लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या था पता है ना, ये दो छोटी सी जगह स्मॉल डी और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। और दूसरा आपका एंगुलर विथ क्या हो जाएगा आपका फ्रिंज विथ अपॉन में कैपिटल डी, डिपेंड करता है आपको क्या दिया है, कई बार ज़्यादातर आपको फ्रिंज विथ दिया होता है और इससे आपको एंगुलर पे पहुंचना होता है, तो बच्चे वहाँ क्या करते हैं थीटा निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि एंगुलर से एंगल का कॉन्सेप्ट निकलता है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें कहीं से हमें एंगल पता चल जाए और उस हिसाब से फिर हम आंसर दें, वो आपको पता चलता नहीं है, बच्चे उसको लगाने में कड़म तकड़म लगाते रहते हैं, और यह बहुत सीधा सा इसका फॉर्मूला रहता है। तो इसके बाद अभी हम गाइस बिफोर मूविंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक, मैं सोच रही हूँ आपको ये बता देती हूँ थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट नहीं है ऐसे भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक सेकेंड मैं ना पॉज करके ही इसको इरेज करती हूँ, वरना ये ना इरेज हो नहीं पाएगा बिना पॉज करे। अच्छा गाइस देखिए, अभी तक मैंने आपको बहुत से फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस ऑफ एन फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, ठीक है, एंड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने सीधा सा देख लिया था एन डी लैम्डा बाई डी। अब सपोज आपको ये डी या लैम्डा डी इस तरह से ना दिया हो आपको और सीधा आपको फ्रिंज भी दे रखी हो, इससे आप कैसे निकालेंगे एन लैम्डा एन बीटा, सिंपल सा ये डायरेक्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको डिस्टेंस ऑफ एंथ डार्क फ्रिंज भी दे रखी हो, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था टू एम माइनस वन डी लैम्डा अपॉन में टू डी, इसको आप क्या लिख सकते हो टू एम माइनस वन बाय टू इंटू बीटा, ठीक है, आप ये चीज़ लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको गैप निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप गैप भी निकाल लोगे, सिर्फ डी लैम्डा डी की जगह आपको बीटा पुट करना होता है। आपको क्वेश्चन में कई बार वो ये वैल्यूज ना दे के डायरेक्ट फ्रिंज विथ दे देता है, और आपको सपोज आपको सॉरी आपको कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखे वर्ड दे रखे हैं, लाइक 9.982 आपका हो गया डी और नीचे आपको दिया है 0.2
2, 4, 3 ये हो गया स्मॉल डी, एंड आपको वेवलेंथ कुछ दी है करीब मान लीजिए 7298 आर्मस्ट्रांग, और आपको फ्रिंज विड्थ दिया है 10, और आपको नंबर ऑफ फ्रिंज जो है आपकी फ्रॉम द सेंट्रल वो है सेकेंड, आपको ये निकालनी है। ये सब आपको गिवन है और आपको निकालना है एंथ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ एन फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ एंथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये निकालना है। तो एक तरीका ये है आपको एक्सएन निकालने का, एन डी लैम्डा बाय डी, इसमें वैल्यू पुट कीजिए 2 9.9928 इंटू 7298 डिवाइड बाई 0.243 और इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। यह डायरेक्ट तरीका है 2, और इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बीटा, तो हम डायरेक्टली बीटा यहाँ लिख देंगे और यहाँ 2 × 10 इक्वल्स टू सीधा आपका 20 आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज नहीं है, ये मैंने कैलकुलेट करके नहीं लिखी है, जस्ट आपके सामने सिर्फ समझाने के एग्जाम्पल लिया है। कभी पता चले कोई इसको पूरे को सॉल्व करे और सॉल्व करके कहे मैडम ये तो 20 नहीं आ रहा आंसर हमारा, तो दिस इज जस्ट ओनली टू एक्सप्लेन यू कि आप इस तरह से जा सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से, बाकी ऐसा नहीं, ये एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, इनको कैलकुलेट करके 20 नहीं आएगा, बाकी आ जाए तो वो बाई चांस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको समझाना था कि आप कैसे बीटा, इसकी जगह बीटा रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में बीटा गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं पॉज करती हूँ, सी हम चीज़ें कवर कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं पहले इसमें हमें क्या क्या गिवन है और फिर हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है डबल स्लिट इज एलिमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रांग, दैट मीन्स आपकी वेवलेंथ कितनी है 6000 आर्मस्ट्रांग। तो इसमें बहुत कुछ हमें कैलकुलेट करना है ताकि हमारा कुछ कन्फ्यूजन ना हो, तो जो जो गिवन है मैं लिखती जाती हूँ। लैम्डा कितना है हमारा 6000 आर्मस्ट्रांग, ठीक है, एंड स्लिट्स आर 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब आपकी ये जो स्लिट्स हैं, ये जो स्लिट है ये आपस में कितना 0.1 सेंटीमीटर अलग है, अपार्ट मतलब अलग होना, तो 0.1 सेंटीमीटर। फिर क्या है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, और यहाँ पर कोई स्क्रीन प्लेस की गई है और इसके बीच का गैप कितना है 1 मीटर। तो चलिए हम स्क्रीन लिख देते हैं, स्क्रीन हमारी कितनी होगी कैपिटल डी इज 1 मीटर। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं 6000 इंटू 10^-10 मीटर, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 0.1 × 10^-2 मीटर, और ये तो है ही आपका 1 मीटर। अब सबसे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है हमें डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, अच्छा इसमें नंबर नहीं दिया ना, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ, यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज विथ, एंड यहाँ पे भी आप लिख लीजिए 10th एंगुलर फ्रिंज विथ, ठीक है। ओके, तो हमारा अब हम 1 by 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अगर नंबर 1 के लिए देखते हैं तो इसमें हमारा n कितना है 5, और पूछा क्या है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, फॉर्मूला xn, मतलब डिस्टेंस पूछा है xn, क्या फॉर्मूला होता था n d लैम्डा अपॉन में स्मॉल d, ये फॉर्मूला होता था। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू कैपिटल डी आ गया आपका 1 इंटू लैम्डा आपका इतना आ गया 6000 इंटू 10^-10 अपॉन में 0.1 × 10^-2, इसको आप कैंसिल करेंगे, सब कुछ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30, और ये 3 0 ये आ जाएंगे, और एक यहीं हाथ हट के एक 0 ये ऊपर जाएगा, तो 4 × 10^-8 क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर 2 ऊपर कट जाएंगे। अब आप ये साइन को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 × 10^-3, तो मतलब आ जाएगा आपका कितना 3 मिलीमीटर, मिली आएगा ना 10^-3 में, हाँ 3 मिलीमीटर, यह आ जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल, डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ डार्क फ्रिंज निकालेंगे, अब क्या गिवन है हमें डार्क फ्रिंज गिवन है, नंबर कौन सा है 4,
इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता था, सॉरी गाइस, हम m लिखते थे, फॉर्मूला हमारा क्या होता था, 2m माइनस 1 इंटू कैपिटल डी स्मॉल कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी अपना 1, लैम्डा कितना आ गया 6000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 अपॉन में कितना है 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 1 7, 7 6 अब 42 और ये यहाँ पर रह जाएगा 8 और ये 4 से कैंसिल माइनस 4। इसको आप लिख सकते हो माइनस 3 को 4.2 मिलीमीटर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपसे एंगुलर फ्रिंज विथ कैलकुलेट करने के लिए दिया है, फ्रिंज विथ कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया, बताइए क्यों। देखिए, मैंने फ्रिंज विथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि फ्रिंज विथ होता है बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाय डी। आप एक बार ये कैलकुलेट कर लेते ना तो आप बस डायरेक्टली यही पुट करते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आती है उसको सिर्फ पुट करते हैं और आपका फाइनल आंसर आप लिख देते हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि आप ज़रा खुद से पूरा कैलकुलेशन करें क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए मैंने ये आपसे पहले कैलकुलेट नहीं करवाया। तो अभी हम थर्ड चलते हैं अपना एंगुलर फ्रिंज विथ। एंगुलर फ्रिंज विथ हमारा कौन से नंबर का निकालना है, 10th नंबर का। एंगुलर फ्रिंज विथ के दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको, बीटा अपॉन में कैपिटल डी या फिर लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, दो फॉर्मूलाज बताए थे। अब यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर 10th एंगुलर फ्रिंज विथ का निकालना है। तो 10th का मतलब हमारा यहाँ पर कोई नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम एन लिख देते हैं। हमने सिर्फ इतना फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन अगर ये आपसे कुछ एक्स्ट्रा नंबर पूछ लेता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंटू लैम्डा बाय डी। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन में डी, सॉरी माइनस 10 इंटू डी, डी आपका कितना है 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इजीली हो जाएगा सॉल्व, कुछ टफ नहीं बचा आपका इसमें। अच्छा, अगर आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि मैंने 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग को 6000 टू 10 पावर माइनस 10 मीटर कैसे लिखा, तो मैं बता दूं, आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है आपका, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आपका 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर लिख दिया था। ठीक है गाइज, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई भी कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए उसको। इसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और कुछ क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, मैं अभी पॉज करके वीडियोस को इरेज करती हूँ, अदरवाइज तो फिर ये इरेज होगा नहीं। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। आपकी दो स्लिट्स हैं जो जिसमें से एक आपकी जो जो दो स्लिट्स हैं उससे जो आपकी वेव निकलती है इंटरफ्रेंस होने के बाद, उनकी जो वेव लेंथ होती है वो होती है 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वी कैन राइट इट डाउन 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन इज 0.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब आपका ये जो स्क्रीन होती है, यहाँ से निकल कर आता है जो स्क्रीन पे आपकी फ्रिंज विथ बन रही हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस आया है वो 0.2 आया है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर साथ में ये ऊपर डिग्री का साइन भी है। डिग्री के साइन का मतलब क्या हो जाता है कि ये आपका एंगुलर फ्रिंज विथ की बात कर रहे हैं। तो लेट अस राइट द एंगुलर फ्रिंज विथ, वो आपकी कितनी है 0.2 डिग्री। ओके, अब आपसे कहा जा रहा है कि होल अपरेटस इज इमर्स्ड इन द वाटर। आपका पूरा का पूरा जो अपरेटस है उसको हमने वाटर के अंदर रख दिया, तो आपका नया जो एंगुलर फ्रिंज होगा, फ्रिंज विथ वो कितना होगा, और साथ में ये आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। मैं उसे हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, कोई भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट करते हैं म्यू इस साइन से, ये जो इस तरह का यू बनता है ना इससे। ठीक है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, कि अगर हम कोई भी चीज़ इमर्स करते हैं किसी भी लिक्विड में, तो हमारा जो रिजल्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, चाहे वो वेवलेंथ हो या कुछ भी हो, वो हमारा सपोज हम जो भी हमारा है क्वांटिटी, वो ऊपर लिख के उसको डिवाइड बाय कर देते हैं,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर हमारा एयर का गिवन हो तो। सपोज मुझे एक नॉर्मल वेवलेंथ गिवन है, नॉर्मल मतलब एयर में वेवलेंथ गिवन है, हमें वाटर में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इस एयर वाली वेवलेंथ को डिवाइड कर देंगे वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब सेम उल्टा क्या निकल आएगी हमारी वाटर की वेवलेंथ। अब सपोज आपको वाटर की वेवलेंथ गिवन हो और एयर की वेवलेंथ निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक याद रख लीजिए, कोई सा भी दूसरा अपना आप याद हो जाएगा। अगर वाटर में वेवलेंथ निकालनी हो तो हम एयर की वेवलेंथ को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी एक बात याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमें एंगुलर वेवलेंथ गिवन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाय डी। ठीक है, अब हमें ये जो डी है, डी होता है हमारा दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। ये तो चाहे हमने एयर में किया हो या वाटर में किया हो, ये तो एक कांस्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच का जो है वो उतना ही रहेगा। तो वन बाय वन लिखते हैं। पहले मैं लिखती हूँ आपका जो एयर का है, आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू एयर का आपका वेवलेंथ अपॉन में एयर में आपका दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस। जब आपको कंपेयर करना होता है तो आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय आपका वाटर का एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो हमें निकालना है, मतलब वाटर के अंदर जब आपने पुट कर दिया उसके बाद जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ था जो निकालना था वो यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू वाटर का वेवलेंथ डिवाइड बाय वाटर में आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हमें पता है डिस्टेंस हमारा एयर का इक्वल्स टू होगा हमारा डिस्टेंस इन द वाटर, इक्वल है तो इसका मतलब हम ये दोनों आपस में कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बच गया आपका, एयर का एंगुलर विड्थ डिवाइड बाय वाटर का एंगुलर विड्थ इक्वल्स टू एयर का वेवलेंथ डिवाइड बाय वाटर का वेवलेंथ, वाटर के अंदर आपका वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी आप बताइए, अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक मिनट मैं इधर का पोर्शन इरेज कर दूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक अपना नोटबुक को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ से लिख रही हूँ, कुछ चेंज नहीं किया अभी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें वाटर का वेवलेंथ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो एयर का वेवलेंथ है उसे डिवाइड कर देंगे उसके वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। एक तरीका है कि आप पहले से करके रख सकते हैं, दूसरा, अच्छा ये हमें गिवन एयर का था ना दोनों चीज़ों का। ठीक है, दूसरा अभी हम कुछ पुट नहीं करते हैं, हम सिर्फ यह लिख देते हैं डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। ठीक है, अब आप देखेंगे ये और ये सेम है, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए और ये वाटर आपका ऊपर उठ कर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है ना तो ऊपर आके न्यूमिनेटर में हो जाएगा। तो वेवलेंथ ऑफ एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ वाटर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय, नीचे तो सिर्फ वन रह गया तो वन आ जाएगा। अब जो वैल्यू हमें पता है हम उन्हें पुट कर देते हैं, थोड़ा सा इसे रीअरेंज और कर लेते हैं। एंगुलर विथ ऑफ द वेवलेंथ, एंगुलर विथ इन द एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू आपका एंगुलर विथ इन द वाटर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.2 और ये हमें म्यू कितना गिवन है 4/3, तो ये पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 ऊपर ले आएंगे आप तो ये आ जाएगा 0.6/4। ठीक है, इसको चाहे तो आप कट कर सकते हैं, तो 2/3 तो आपका एंगुलर विड्थ इन द वाटर आ जाएगा 0.3/2। बाकी आप चाहे तो इसको और कट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आया गाइस, कोई और डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कुछ समझ में ना आया हो? गाइस मैं आज के लेक्चर को भी अब यही एंड करूँगी, इसके बाद हमारा थिन फिल्म का जो है वो आ जाएगा इंटरफेरेंस, वो एक लेक्चर में हो जाएगा विद उसके क्वेश्चंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर वो रह गए छोटे छोटे से टॉपिक है वो भी जल्दी हो जाएंगे एंड देन हमारा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो यू रिलैक्स गाइस, आपका इजीली, अगर 25 मार्च का जो कुछ बच्चों ने कहा है कि एग्जाम हो सकता है, अगर सपोज हो भी जाता है ना तो 100% आपका, मतलब फिजिक्स तो आपकी 100% डन डन हो गई है। पता है इसीलिए मैंने पहले वो टॉपिक्स लिए
जो टाइम टेकिंग थे, लाइक उसमें कैलकुलस ज़्यादा टाइम टेकिंग है मैथ्स में, और इसमें ये मॉडर्न फिजिक्स टाइम टेकिंग था, तो दोनों ही आपके हो चुके हैं कंप्लीट। बाकी मैं वीडियो अब यहीं एंड करूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तबीयत अभी सही हुई है ना, फिर मैं ज़्यादा अगर बोलूँगी तो फिर पता चले फिर आपकी क्लास एक भी दिन की मिस होता है। क्लियर भी नहीं हो रहा। अच्छा गाइस, आप लोगों ने आई होप ट्वीट वगैरह तो किया होगा, मैंने आपसे बहुत कहा था आज ट्वीट करने के लिए, तो ट्वीट किया था अगर तो थैंक यू सो मच। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई लेट मी एंड द वीडियो हियर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताइए, आप में से कुछ बच्चे थे जो पहले बड़ा एक्टिव रहते थे, एक दो लड़कियाँ थी, आस्था थी एक और दो तीन और थे बच्चे, और मुझे कोई दिखता नहीं है कमेंट बॉक्स में, क्या हो गया, दिल भर गया क्या पढ़ाई से, या बहुत पढ़ाई कर ली, या परेशान हो गए पढ़ पढ़ के, क्या हो गया। खैर डू रेगुलर गाइज, क्योंकि रेगुलरिटी ही बहुत ज़रूरी है। आई नो मैं खुद रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ एक दो दिन से, बट आई हैव सीरियस हेल्थ इश्यूज़, इसीलिए मैं अभी नहीं हो पा रही हूँ रेगुलर ना, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा तो फिर आई विल डू कंटिन्यू द थिंग्स, और अगर कुछ बैकलॉग हुआ होगा तो आई विल कवर इट बाई टेकिंग लॉन्ग क्लासेस, सो उसके लिए आप फिगर मत कीजिए। बाकी अपना आप ख्याल रखें, क्योंकि वायरल चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, थैंक यू सो मच।